Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture Classes. Today in this lecture we will discuss about some major field crops pests. So let us start today's lecture. First of all, pest of corn. तो corn में pest कौन से होते हैं? सबसे पहले है corn rootworm. तो corn rootworm एक ऐसा pest है जो corn में root में affect करता है सबसे पहले. तो इसमें क्या problem होती है? क्या डिस्ट्रॉय करता है? हाँ, ये पिक्चर दिखाया गया है जो कि एडल्ट एक कॉर्न रूटवर्म है और इससे इसका लार्वा दिखाया गया है. इसका ये एडल्ट है जो कि अफेक्ट कर रहा है. द लार्वा अटैक द रूट कॉजिंग द प्लांट्स टू फॉल ओवर एंड बिकम गूज़नेक्ड. तो ये अफेक्ट करता है रूट को जो कि प्लांट को गिर जाने में मजबूर कर देता है. उसके प्लांट्स गिर जाते हैं. द एडल्ट फीड ऑन द सिल्क एंड एट टाइम बिकम सो न्यूमरस एंड पोलिनेशन कैन नॉट अकर. तो ये उसकी जो सिल्क होती है, जो उसके बाल निकलते हैं, जो सिल्क होता है उसको अफेक्ट करते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं. अगर उसको खाना शुरू कर देंगे तो उसमें पोलिनेशन नहीं होगा. पोलिनेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? उसमें बीज ही नहीं बनेंगे, उसकी कॉर्न नहीं बन पाएगा. ओवर विंटर एज एग्स इन सॉयल वन जनरेशन पर ईयर. तो ये सॉयल पर ही एग्स देता है, सॉयल में ही पनपता है क्योंकि ये रूट को अफेक्ट करता है और जनरेशन एक साल में एक बार ही पैदा होता है. देन इसका कंट्रोल कैसे करना है? तो कंट्रोल के लिए क्या है? द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कंट्रोल बाय क्रॉप रोटेशन. तो इसको क्रॉप रोटेशन से कंट्रोल किया जा सकता है. कॉर्न ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर ऑन हैवी सॉइल इज द मोस्ट सीरियस डैमेज. अगर ईयर आफ्टर ईयर इसको उगाया जाए तो ये इससे बहुत ही ज़्यादा सीरियस डैमेज होता है. आप देख सकते हैं इसमें जो रूट वॉर्म है, ये रूट को इसने कितना अफेक्ट किया है, इसकी रूट को पूरा ही खा लिया है, जिससे कि प्लांट गिर जाएगा, मर जाएगा. पेस्टिसाइड कौन सा यूज़ करना? डू नॉट यूज़ व्हेन रोटेटिंग क्रॉप्स. तो जब रोटेशन क्रॉप रोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो तब पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना चाहिए. इफ़ नेसेसरी, अगर फिर भी जरूरत पड़े, अप्लाई ग्रेनुअल्स इन 6 to 7 inch बैंक ओवर द रो ऑफ प्लांटिंग टाइम और एज ए कल्टिवेशन ट्रीटमेंट. तो उसको बहुत पहले ही कल्टिवेशन के टाइम पर ट्रीट करना चाहिए. डू नॉट अप्लाई स्प्रे फॉर एडल्ट अनलेस पोलिनेशन इज थ्रेटन्ड. तो जब तक कि पोलिनेशन पे खतरा नहीं आ जाए तब तक स्प्रे नहीं करना चाहिए. इसका स्प्रे प्लांट पे भी एडवर्स इफेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट है डायबैक्टीरिया बारबेरी बीटल. तो ये भी इसको अफेक्ट करता है. येलोइश ग्रीन 3 by 16 to 1 by 4 inch मीन्स 5 to 6 mm लॉन्ग, स्लाइटली स्मॉलर देन द वेस्टर्न एंड साउदर्न कॉर्न रूट वॉर्म्स. देर आर नो मार्किंग ऑन येल्ट्रा. एडल्ट आर फाउंड ऑन द सिल्क ऑफ कॉर्न. तो ये कॉर्न के सिल्क पे पाए जाते हैं. लाइक वेस्टर्न कॉर्न रूट वॉर्म दिस स्पीसीज ओवर विंटर एज लेग्स. तो ये एग्स करते हैं विच आर डिपॉजिटेड इन कॉर्न फील्ड्स. तो ये कॉर्न फील्ड में ही अपने अंडे देते हैं. द एडल्ट आर कॉमन ऑन द गोनलैंड फ्लावर्स. तो ये फ्लावर्स पे ज़्यादातर रहते हैं. कंट्रोल कैसे करना है? सिमिलर टू द वेस्टर्न कॉर्न रूट वॉर्म, मीन्स की पहले वाले रूट वॉर्म की तरह इसको कंट्रोल करना है. नेक्स्ट है पेल ग्रीनिश येलो बीटल. तो ये पेल ग्रीनिश येलो बीटल है, इसको कैसे कंट्रोल करना है? विद 6 black spots ऑन ईच विंग. तो इसके हर एक विंग पे 6 black spots होते हैं, स्लाइटली बिगर देन WCRW एंड NCRW. ये उससे थोड़ा वेस्टर्न और नॉर्थन से अलग होता है. अकर्स कॉमनली ऑन कुकुम्बर मेलन मीन्स कॉर्न सिल्क वीड्स एंड एल्फाल्फा फील्ड. तो ये ज़्यादातर इन क्रॉप्स में ही मिलता है. ये ओवर विंटर एज एडल्ट, तो एडल्ट ही पैदा होते हैं. मे हैव 2 or more annual generation. तो इनकी 2 या 2 से अधिक भी एनुअल जनरेशन हो सकती है. द अदर नेम स्पॉटेड कुकुम्बर बीटल भी इसको बोलते हैं. तो डैमेज क्या करते हैं? द लार्वा डैमेज रूट्स ऑफ कॉर्न एंड विंटर राई. तो राई और कॉर्न दोनों को डैमेज करते हैं. एंड एडल्ट ईट होल्स इन मेलन फॉलेज. तो ये मेलन के जो फॉलेज है उसमें होल कर देते हैं. एडल्ट स्प्रेड बैक्टीरियल विल्ट टू द कुकुम्बर. तो ये कुकुम्बर में विल्ट पैदा करते हैं. कंट्रोल सिमिलर टू द WCRM एंड NCRW की तरह ही करते हैं इसको. नेक्स्ट है स्पाइडर माइट्स. तो स्पाइडर माइट्स कैसे इफेक्ट करते हैं? ओवरराइट एज एडल्ट इन डेब्रीज सेवरल जनरेशन पर ईयर. तो इसमें बहुत सारे जनरेशन पर ईयर होते हैं. डैमेज क्या करते हैं? पिकर प्लांट सेल एंड सक आउट लिक्विड कंटेंट. तो ये पिकर कर देते हैं और इस लिक्विड को सक कर लेते हैं. लीव्स डेवलप क्लोरोफिक क्लोरोटिक स्पॉट्स एंड मे डाई बैक. तो ये क्लोरोटिक स्पॉट्स हो जाते हैं और मर जाते हैं.
starts feeding on lower leaves and moves upward. फिर लोअर लीव्स को पहले खाते हैं, फिर ऊपर बढ़ जाते हैं. हॉट ड्राई कंडीशंस आर फेवरेबल, तो हॉट ड्राई कंडीशन के लिए इसको फेवरेबल है. और इसका कंट्रोल कैसे करते हैं, सिस्टमेटिक इंसेक्टीसाइड यूज़ करके ही किया जाता है. पेस्ट ऑफ अल्फा अल्फा, तो अल्फा अल्फा कैसे करते हैं, अल्फा अल्फा वीविल पी एफिड लगस बग एंड ग्लिस्टर बीटल्स, ये इसके पेस्ट है. तो अल्फा वीविल को देखते हैं पहले. अल्फा वीविल में हाइपर प्रोटिस्टा बीटल, द कलर इज ब्राउन विद ए डार्कर ब्राउन स्ट्रिप्स डाउन एंड मिडल ऑफ द इल्सा, इसमें डाउन डार्क ब्राउन और थोड़ी डार्कर कलर की स्ट्रिप्स होती हैं. द प्रोनटम हैज ए डार्क ब्राउन स्ट्रिप्स थ्रू विच रन से पेल लाइन, तो इसमें डार्क ब्राउन होती है, इसमें कि पेल येलो लाइन भी जाती है सेंटर से. एडल्ट लेंथ इज 1/4 इंच, मीन 6 mm तक इसकी लेंथ होती है. लार्वा इज ग्रीन और येलो विथ डार्क हेड, तो इसका लार्वा ग्रीन होता है और इसका जो हेड होता है येलो होता है, येलो विथ डार्क हेड, तो इसका लार्वा है. डैमेज मोस्टली बाय लार्वा स्केल्टोजोनिक लीव्स फीड ऑन द फॉलेज, ये फॉलेज पे फीड करता है. स्पेशली टर्मिनल लीव्स बर्ड्स एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड एंड पुपेट इन द लिटर, तो ये पहले पत्तियों खा लेता है, जब गिर जाता है तो फिर ग्राउंड में ही पुपेट कर लेता है, लिटर में ही पैदा हो जाता है. अडल्ट ओवरराइट 1 जनरेशन पर ईयर, तो एक साल में एक ही बार होता है. तो ये इसमें लार्वा दिखाया गया है इसका और ये इसके एग्स दिखाए गए हैं. नेक्स्ट है अल्फा व्हील का कल्चरल मैनेजमेंट कैसे करेंगे. अर्ली फर्स्ट हार्वेस्ट फॉल ग्रेजिंग स्प्रिंग बर्निंग रेजिस्टेंस कल्टीवेट्स, ये हम यूज़ कर सकते हैं. केमिकल कंट्रोल मोस्टली ऑर्गो पैथो फॉस्फेट्स विच आर हाईली टॉक्सिक फॉर पॉलिनेटर्स बीज एंड अदर बेनिफिशियल्स, तो ये इनका यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये बेनिफिशियल्स के भी हानिकारक हो सकते हैं. अप्लाई अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग, या तो सुबह अप्लाई करो या शाम को अप्लाई करना चाहिए. नेक्स्ट है पी एफिड. पी एफिड ग्रीन लॉन्ग एंड ग्रीन लॉग लेग अबाउट 1.6 इंच लॉन्ग, मीन्स के अबाउट 6 to 7 mm लॉन्ग होते हैं. मैनी जनरेशन पर ईयर, तो इसमें बहुत सारी जनरेशन हो सकती हैं पर ईयर. एंड ओवरराइट ओवर विंटर एज एग्स ऑन एडल्ट फीम्स फीमेल्स, तो ये एग्स भी देते हैं और एडल्ट दोनों ही पैदा करते हैं. डैमेज क्या करते हैं, सक द सैप, सैप को चूस लेते हैं पी लेते हैं. कॉज विल्टिंग एंड रिड्यूस क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ द अल्फा है, तो ये क्वालिटी एंड क्वान्टिटी दोनों को रिड्यूस कर देते हैं. कंट्रोल कैसे करना है, प्रिफरेबली सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड यूज करना चाहिए. अप्लाई वैन टी इज ग्रेटर दैन 50 डिग्री, टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तभी हो. अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग टू प्रिजर्व द बेनिफिशियल्स, मीन्स बेनिफिशियल्स को हानि ना हो उसके टाइम में उसको स्प्रे करना चाहिए. लाइगस बग, तो लाइगस बग क्या है, एडल्ट 1.1/4 इंच लॉन्ग वेरिएबल इन कलर डिस्टिंक्ट वी ऑन द बैक, तो इसके वी बैक होता है. पीसिंग एंड सकिंग ब्रेक, तो ये पीसिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं. ओवरविंटर एडल्ट्स ही पैदा करते हैं. 3 जनरेशन पर ईयर, तो 3 जनरेशन पर ईयर इनकी होती हैं. डैमेज क्या करते हैं, मोस्ट सीरियस इन सीड प्रोडक्शन बहुत सीरियस होते हैं. कॉज बर्ड्स डाई होते हैं. फ्लावर्स टू ड्रॉप, इमेच्योर सीड्स और टू श्रीवल. फॉरेज प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑल्सो अफेक्टेड, सब कुछ अफेक्ट करते हैं, क्वालिटी और क्वान्टिटी सब कुछ. कंट्रोल कैसे करना है, सिस्टमेटिक इंसेक्टीसाइड्स यूज करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है. देन है ब्लिस्टर बीटल्स. नेक्स्ट हम देखते हैं पेस्ट ऑफ ड्राई बीन्स, तो ड्राई बीन्स का कौन कौन से बीटल होते हैं, तो बीन बीटल. फर्स्ट है मैक्सिकन बीन बीटल, तो मैक्सिकन बीन बीटल क्या है, एडल्ट आर रेड एंड 16 ब्लैक स्पॉट्स 1/4 इंच लॉन्ग. लार्वा आर येलो विद ब्रांच्ड स्पाइंस अप टू 1/4 इंच लॉन्ग, तो ये इसका लार्वा दिखाया गया, ये एडल्ट दिखाया गया है. एंड ओवर विंटर एज एडल्ट इन लीटर 1 जनरेशन पर ईयर, तो ये ईयर में एक ही जनरेशन पैदा होती है. नेक्स्ट है डैमेज क्या होता है, बोथ एडल्ट एंड स्पेशली लार्वा च्यू ऑफ पोर्शंस ऑफ द लार्वा लीव्स, तो ये लार्वा सब कुछ च्यू कर लेते हैं. दे यूजली फीड बाय क्लिंगिंग टू द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स एंड ईटिंग, तो ये अंडर सरफेस रहते हैं. इरेगुलर सेक्शंस ऑफ द लोअर लीफ सरफेस, तो ये लोअर सरफेस को खा लेते हैं. इरेगुलरली द अपर सरफेस ऑफ लीव्स क्विकली ड्राइज आउट गिविंग ए
लेस लाइक स्केल्टनाइज्ड अपीयरेंस, तो इसमें स्केल्टनाइजेशन अपीयरेंस हो जाती है। कंट्रोल कैसे करना है, कल्चरल कंट्रोल कर सकते हैं, बर्निंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज रेजिस्टेंस वेराइटीज जैसे लाइमा बीन्स उगा सकते हैं। बायोलॉजिकल क्या करते हैं, सेवरल स्पीसीज ऑफ पैरासाइटोडाइट्स अवेलेबल। केमिकल कौन से यूज़ करने हैं, सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स, सॉइल एप्लीकेशंस एंड फॉलर स्प्रेस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेस्ट ऑफ शुगर बीट, तो शुगर बीट के कौन से पेस्ट हैं, शुगर बीट रूट मैगोट एंड बीट लेफन हॉपर। शुगर बीट रूट मैगोट, तो ये क्या होता है, ये एडल्ट फ्लाई है, ये लार्वा है इसका। ओवर विंटर से लार्वा मैगोट इन द सॉइल, ये सॉइल में ही पैदा करते हैं। एडल्ट फ्लाई एमर्जिन में, तो ये मई में ज़्यादा एमर्ज हो जाते हैं। फीमेल्स डिपॉजिट एग्स अराउंड द बेस ऑफ शुगर बीट, वन जनरेशन पर ईयर, तो इसमें एक ही जनरेशन पर ईयर होती है। देन डैमेज क्या करते हैं, मैगोट्स अटैक सीडलिंग्स एंड कॉज लॉस ऑफ स्टैंड, तो ये सीडलिंग को अटैक करते हैं, ईल्ड्स आर रिड्यूस, तो ईल्ड रिड्यूस हो जाती है। कंट्रोल कैसे करना है, ओनली लार्वल कंट्रोल इज रिकमेंडेड, लार्वा को कंट्रोल करना रिकमेंड किया गया है। अप्लाई ग्रेनुअल्स टू द सॉयल फॉर 4 to 6 inch बैंड ओवर द रो, ग्रेनुअल्स मस्ट हैव मॉइस्चर टू बी एक्टिवेटेड, तो इसमें मॉइस्चर होना जरूरी है। देन है लीफ ओपर, तो लीफ ओपर क्या है, ये एडल्ट दिखाया गया है फिगर में और ये इसका निम्फ है। निम्फ होता है फीमेल पार्ट और एडल्ट होता है मेल पार्ट, इसको हम एडल्ट बोलते हैं। ओवर विंटर एडल्ट इन वीडी एरियाज, वीडी एरियाज में होते हैं। होस्ट प्लांट्स इंक्लूड विल्ट मस्टर्ड, वाइल्ड मस्टर्ड, रशियन थिसल एंड अदर वीड्स, तो इस तरह के जो वीड्स होते हैं इन पे ये पाए जाते हैं। एग्स हैच एंड निम्स मूव इनटू बीटल बीट फील्ड, तो ये अंडे देने के बाद और उनमें चले जाते हैं। वन और मोर जनरेशन पर ईयर, एक और से ज़्यादा जनरेशन हो चुकी है। डैमेज क्या करते हैं, वेक्टर ऑफ द वायरस कॉजिंग द डिजीज क्योरली टॉप इन शुगर बीट्स, कंट्रोल कल्चरल वीड मैनेजमेंट एंड रेजिस्टेंस वेराइटीज कर सकते हैं। केमिकल से ग्रैनुअल्स फॉर्मेशन टू सॉइल, मॉइस्चर इज नेसेसरी टू एक्टिवेट द ग्रैनुअल्स। नाउ पेस्ट ऑफ पोटैटो, तो पोटैटो के पेस्ट कौन से हैं, पोटैटो साइलिड्स, कलर्ड पोटैटो बीटल्स एंड पोटैटो फ्ली बीटल्स। नाउ पोटैटो स्लिट्स, पोटैटो स्लिट्स क्या है, ये एडल्ट दिखाया गया है, ये निम्स दिखाए गए हैं। रिलेटेड टू एफिड्स एंड लीफ होपर्स, द एडल्ट हैज क्लियर विंग्स दैट रेस्ट रूफ लाइक ओवर द बॉडी, प्रीडोमिनेंटली ब्लैक विद वाइट मार्किंग्स, स्केल लाइक फ्लैट निम्स। स्लिट्स जंप क्वाइट रिडली वैन डिस्टर्ब्ड, तो ये बहुत जंप करते हैं जब इनको डिस्टर्ब किया जाता है। ओवर विंग्स एज लेग्स, ये एग्स देते हैं, सेवरल जनरेशन पर ईयर, तो उसकी बहुत सारी जनरेशन हो सकती हैं। डैमेज क्या करते हैं, निम्स इंजेक्ट टॉक्सिन व्हेन फीड कॉजिंग सिलिट्स येलो, तो टॉक्सिन्स इंजेक्ट करते हैं एंड अपवर्ड क्यूरिंग ऑफ लेफ लीव्स, तो ऊपर की जो अपवर्ड लीव्स हो कर्लिंग कर जाती है। नेक्स्ट है कंट्रोल कैसे करना है, ग्रैनुअल सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स एट प्लांटिंग टाइम, तो प्लांटिंग टाइम में इसको यूज़ करना है। फोलर स्प्रे ऑफ सिस्टमेटिक पैथोडाइस, तो इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोलोरेडो पोटैटो बीटल, तो इसके एडल्ट्स और एग्स दिखाए गए हैं, ये उसके लार्वा दिखाए गए हैं। और विंटर्स एज एन एडल्ट बरीड इन सॉइल, तो ये सॉइल बरीड होते हैं। एग्स हैच इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में इसके अंडे में से वो लार्वा बनता है। लार्वा फीड ऑन फॉलेज, तो ये फॉलेज पर ही खाता है। वन और टू जनरेशन पर ईयर, इससे एक से दो जनरेशन पर ईयर होती है। देन डैमेज क्या करते हैं, बोथ लार्वा एडल्ट आर वेकोरियस फीडर्स, दे ऑफन कम्प्लीटली फोलिएट डिफोलिएट पोटैटो प्लांट्स, डिफोलिएट कर देते हैं। कंट्रोल कैसे करना है, सिस्टमेटिक इन द सॉइल एट प्लांटिंग टाइम, तो सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड्स यूज करने हैं। फोलर स्प्रे आफ्टर एग हैच, तो फोलर स्प्रे कर सकते हैं। रेजिस्टेंस में भी एन इशू, तो रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है इनमें। फ्ली बीटल्स, तो एडल्ट बीटल्स अबाउट 1 to 1/16 inch लॉन्ग एंड ब्लैक इन कलर, हैज एनलार्ज्ड हिंड लेग्स एंड जंप विगरेसली व्हेन डिस्टर्ब्ड, वो जंप करते हैं। ओवर विंटर्स एज एन एडल्ट इन सॉइल लेटर, वन और टू जनरेशन पर ईयर, एक से दो जनरेशन पर ईयर होते हैं। देन डैमेज क्या करते हैं, डेस्ट्रॉय फॉलेज, स्प्रेड ए फंगल डिजीज, अर्ली पोटैटो ब्लाइट,
control culture, destruction of plant residues, weed control and late planting, chemical secretion, systematic insecticides to the soil at planting time, foliar spray with contact insecticide against larvas. Then देखते हैं कि जो small grains में कौन सी use करते हैं. Pale western, cutworm, western cut mite, Russian wheat aphid, greybugs, grasshoppers. तो इनका कैसे हम खात्मा करते हैं. तो पहले थे pale western cutworms. तो ये cutworms कैसे होते हैं, ये adults दिखाए गए हैं, ये larva दिखाया गया है. Eggs are laid in the soil. तो ये eggs इसकी soil में ही देते हैं. Overwinter as legs. Eggs तो ये eggs देते हैं. Hatch very early in spring. तो जल्दी ही spring में hatch कर लेते हैं. One generation per year. तो इसमें एक generation per year होती है. Then western cutworm क्या होता है, larva feed mostly underground. तो ये underground ही mostly होता है. Cause pruning of plants, loss of stand and stunned and unfit and thrifty plants. तो इस तरह से ये सूख जाते हैं, अर्थ में ही अंडरग्राउंड ही अफेक्ट करते हैं. कर्ल माइट, तो कर्ल माइट क्या होता है, द माइट्स आर वेरी टीनी वाइट स्प्लिंडर शेप विथ फोर लेग्स नियर द एंथेरियर एंड. फोर लेग्स होती हैं, रिप्रोड्यूस पार्थोजेनेटिकली विदाउट मेल्स एंड ओवर विंटर ऑन ग्रासेस एंड वॉलंटियर वीट्स. डैमेज क्या करते हैं, ट्रांसमिट ए वायरल डिजीज कॉल्ड वीट स्टिक मोसेक. तो ये वायरल डिजीज को कैरी करते हैं. द वायरस कैन कॉज सीरियस रिडक्शन इन वीट क्रॉप यील्ड, क्रॉप यील्ड कम देता है. ऑल्दो द माइट फीड ऑन ए वैरायटी ऑफ ग्रासेस, बहुत से ग्रास में पाए जाते हैं, वीट इज प्रीफर्ड होस्ट एंड हाई पॉपुलेशन कैन बी डेवलप ड्यूरिंग द समर एंड फॉल ऑन द वॉलंटियर वीट. कल्चरल कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ वॉलंटियर वीट, लेट प्लांटिंग और रेजिस्टेंस कल्टिवेटर्स. देन केमिकल्स आर रेयरली इफेक्टिव, तो केमिकल्स में रेयरली इफेक्टिव होते हैं. हेल बेल्ट एरियाज आर इन ग्रेटेस्ट नीड टू प्रोटेक्शन, तो इसमें एरिया में ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है. देन वीट एफिड्स, तो वीट एफिड्स एक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, नेटिव टू साउदर्न एशिया एंड मिड मेरियन रीजन्स. इंट्रोड्यूस इन यूएसए 1986, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड और असेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. सेवरल जनरेशन पर ईयर, ओवर विंटर एज इमेच्योर और एडल्ट इन ग्रासेस. ये वीट एफिड को दिखाया गया है, ये सोयाबीन एफिड है और रशियन वीट एफिड आइडेंटिफाइड करेक्टरिस्टिक्स. एलोंगेटेड होते हैं, शॉर्ट एंथ्रेन होती है, नो कॉर्निकल्स होते हैं और फॉक्ड होते हैं, डबल टेल होती है इनमें. ये वीट एफिड डैमेज क्या करते हैं, आर डब्ल्यू ए इंसिनिशिएट फीडिंग एट बेस ऑफ द लीव्स नियर द टॉप ऑफ द प्लांट. इट इंजेक्ट्स ए टॉक्सिक स्लाइवा इन टू द प्लांट्स, ये टॉक्सिक स्लाइवा इंजेक्ट करता है. द एग्स ऑफ द लीव कर्ल इनवर्ड प्रोटेक्टिंग द पेस्ट, तो इसके एग्स जो होते हैं लीव को कर्ल कर देते हैं, अंदर की तरफ मोड़ देते हैं. प्लांट बिकम पर्पलिश हो जाते हैं. द लीव्स डेवलप लॉन्गिट्यूडनल येलोइश एंड वाइटिश स्टैक्स, तो येलोइश स्टैक्स हो जाते हैं उनके. टिलर्स ऑफ हैवीली इन्फेस्टेड प्लांट्स रन पैरेलल टू द ग्राउंड, ये पैरेलल चलते हैं. ए प्रोस्टेट अपीयरेंस, हेड्स आर डिस्टॉर्टेड, तो हेड्स को डिस्टॉर्ट कर देते हैं. देन कंट्रोल कैसे करना है, कल्चरल कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं. कंट्रोल वॉलंटियर वीट, अवॉइड अर्ली प्लांटिंग, यूज रेजिस्टेंस वैराइटीज, मेंटेन हेल्दी स्टैंड. बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करना है, पैरासिटिक वास्प एंड लेडीबर्ड बीटल्स को यूज़ कर सकते हैं. केमिकल में फॉयलर स्प्रे विद सिस्टमेटिक्स, मीन्स सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना चाहिए. देन ग्रास हॉपर्स, तो ये डिफरेंट तरह के ग्रास हॉपर दिखाए गए हैं, ये माइग्रेटरी है, ये डिफरेंशियल है, ये ट्रू स्ट्रिप्ड है, ये भी ट्रू स्ट्रिप्ड ग्रास हॉपर्स दिखाए गए हैं. देन है मॉर्मोन क्रिकेट, तो मॉर्मोन क्रिकेट क्या है, इज नाइदर ए ग्रास हॉपर नॉर ए क्रिकेट, इट इज ए कैटिडिड, तो ये ना तो ग्रास हॉपर होता है ना ही क्रिकेट होता है, तो ये बीच का है जो इसको कैटिडिड कहा गया है. ये लाइफ साइकिल दिखाया गया है ग्रास हॉपर का, किस तरह से ये कितनी स्टेज में जाता है, ये लगभग 4 to 5 स्टेज में जाता है. ड्यूरेशन ऑफ निम्फिकल पीरियड टू 30 to 40 डेज, यानी 30 से 40 दिन में इसका लाइफ साइकिल होता है. फर्स्ट इंस्टार क्रिटिकल स्टेज फॉर जीएच एंड सर्वाइवल अप टू 90% मोर्टेलिटी, इसमें 90% मोर्टेलिटी
होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ इंसेक्ट्स के बारे में देखा, पेस्टिसाइड्स के बारे में देखा जो कि इसको अफेक्ट करते हैं प्लांट्स को, क्रॉप्स को, कुछ क्रॉप्स के बारे में देखा। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।